कहने को साइबर सिटी को वर्ल्ड क्लास शहरों में गिना जाता है, लेकिन साइबर सिटी में लगातार बढ़ता प्रदूषण स्तर लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। साथ ही प्रशासन के सारे दावों पर पानी फेरता ये प्रदूषण जनता के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। साइबर सिटी में सांस लेना हुआ दुर्लभ, हवा में जहर खतरनाक होता जा रहा है। साइबर सिटी का प्रदूषण एक बार फिर ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां पर लोगों की एक एक सांस बोझ की तरह हो गई है। जहां एक तरफ गर्मी का प्रकोप जारी है तो वहीं दूसरी ओर प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम का एयर इंडेक्स 286 के पार पहुंच चुका है। वहीं प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों की माने तो कुछ इलाकों में गाड़ियों की आवाजाही बढ़ने के चलते प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ता प्रदूषण गुरुग्राम के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जहां एक तरफ गर्मी के प्रकोप ने साइबर सिटी की रफ्तार पर लगाम लगा दी है तो वहीं दूसरी ओर प्रदूषण के बढ़ते स्तर से लोगों को कई बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। सर गर्मी, एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे सर, किस तरह रोका जाए? गुरुग्राम का पॉल्यूशन लेवल नियंत्रण में है और कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के पास ट्रैफिक के मूवमेंट की वजह से थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और जो कंसर्न्ड एजेंसीज है उनको डायरेक्शन दे दी गई है कि वो सारे इलाके में पानी का छिड़काव रेगुलर तरीके से करें। सर 266 है आज जो प्रदूषण, तो सर किस तरह प्रशासन? ये केवल जहाँ पर मॉनिटरिंग स्टेशन लगा हुआ है वहाँ की रीडिंग है AQI इंडेक्स। और ये रीडिंग मैंने जैसा कि आपको बताया इसलिए है क्योंकि आसपास इसके पास व्हीकल की ज़्यादा मूवमेंट होने की वजह से धूल ज़्यादा उड़ती है और उस धूल को रीड आउट करके ही ये रीडिंग देता है। हमने कंसर्न एजेंसी को डायरेक्शन दे दिया कि वो पानी का रेगुलर छिड़काव करे ताकि डस्ट सप्रेस हो और ये यहाँ का पोल्यूशन लेवल भी कम हो। सर किस तरीके से जो है प्रशासन काम कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है कि पोल्यूशन कम करे, क्या बचाव कर सकते हैं? हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जिला प्रशासन समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा है पूरे गुरुग्राम में और उस अवेयरनेस प्रोग्राम की वजह से गुरुग्राम के लोगों में जागरूकता आई है और हर जगह पे पोल्यूशन लेवल को कम करने के लिए वो अपने अथक प्रयास कर रहे हैं।